बिहार के लोगों को पीएम मोदी बड़ा तोहफा दे सकते हैं। जी हाँ, ये तोहफा सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, जहां आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आधा हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी ऐसा कौन सा सौगात बिहार को देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तोहफे का पटना वासियों को लंबे वक्त से इंतजार था, ये इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 17 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा पटना में वाहनों के लिए 2 सीएनजी फिलिंग स्टेशन के उद्घाटन की। जी, अब पटना के लोग सीएनजी की सवारी कर पाएंगे। सीएनजी फिलिंग स्टेशन की स्थापना के बाद वाहन पेट्रोल से आधी कीमत पर फर्राटा भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल तैयारियों में जुटा हुआ है। गेल सूत्रों के अनुसार बेली रोड पर रुकनपुरा स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप ऑटो केयर और पटना सिटी के नगला स्थित सिटी सेंटर पेट्रोल पंप पर सीएनजी का नोजल स्थापित कर लिया गया है। बेली रोड पर गैस की आपूर्ति सीधे पाइपलाइन से होगी, जबकि पटना सिटी के नगला सीएनजी स्टेशन को तत्काल मदर डिस्ट्रीब्यूटरी से टैंकर द्वारा आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पटना में पेट्रोल की कीमत करीब 75 रुपए के करीब है। पेट्रोल कार से सफर पर प्रति किलोमीटर करीब 6 रुपए का खर्च आ रहा था। सीएनजी किट लगने के बाद कार 2 रुपए 40 पैसे प्रति किलोमीटर की दूरी से सफर तय कर सकेगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 44 रुपए किलोग्राम और गुड़गांव में 37 रुपए किलो है। उम्मीद की जा रही है कि पटना में सीएनजी की कीमत दिल्ली के बराबर होगी। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित पाइपलाइन के जरिए घरों पर रसोई से खाना बनाने का सपना भी 17 फरवरी को पूरा हो सकता है। इस दिन प्रधानमंत्री बरौनी से रिमोट कंट्रोल के जरिए पीएनजी और सीएनजी सप्लाई का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जगदेव पथ और बीआईटी मिश्रा के लगभग 600 घरों में पीएनजी की सप्लाई शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी मेट्रो का शिलान्यास कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार भी इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजन को 2 रूटों पर निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट के लिए 17,887.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में पहले चरण में दानापुर से मीठापुर तक कुल 16.94 किलोमीटर और द्वितीय चरण में पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल तक कुल 14.45 किलोमीटर मेट्रो रेल के निर्माण का प्रस्ताव है। ऐसे में 17 फरवरी पटना वालों और बिहार के लोगों के लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।